चंपा जनपद में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को नारी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। शहर के आला चेक पर की जाने वाली इस प्रस्तुति के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। जी हां, आपको बता दें, जनपद महोबा के आला चेक चौराहे पर स्कूली छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। शहर के व्यस्त चौराहे पर की जा रही इस प्रस्तुति के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। नुक्कड़ नाटक के दौरान छात्र छात्राओं ने समाज से बहु बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की अपील की। देखिए, कराटे का जो उद्देश्य था वो मेन यही उद्देश्य था कि लड़कियां आज हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड ले लीजिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए, लड़कियां किसी से कमज़ोर नहीं है। और स्पेशली लड़कों से, अगर लड़के 19 है तो आजकल लड़कियां 20 हैं। जो ये मोटिव रहा है मेरा सेल्फ डिफेंस का, वो जो मेरा मेन था वो यही था कि लड़कियां इस क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। अगर चाहे लड़कियां अपने अगर औकात पे उतर जाएं तो लड़कों को आराम से पछाड़ सकती हैं। देखिए, हमारे शहर में काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, लगातार बच्चियों पर अन्याय होता जा रहा है। एक सोच थी ये हमारी कि एक टाइप का कार्यक्रम करें ताकि लोगों को समाज में कुछ बदलाव लाया जा सके। नुक्कड़ नाटक का मेन मोटिव यही था कि निगेटिव बात और पॉजिटिव पॉइंट हमने दोनों रखे हैं, क्योंकि कभी हम लोग निगेटिव बात करते क्योंकि वो समाज की एक मनोदशा बन चुकी है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मैं बस इतना चाहता हूँ कि समाज में एक मैसेज मिले, जो कि बच्चों को ये चाहते हैं, शायद बच्चों के पहनने से या उनके घूमने से ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी एक सोच है और समाज की सोच ऐसी है जिस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। समय आ चुका है, अब हमें उनको बदलने का, और अब ये समय है कि अपने आप को मजबूत करें, अपनी बच्चियों को ताकत प्रदान करें, बच्चों को मजबूत करें पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ सिखाकर।